विक्रम, ये शिवागो के जंगल मुझे बहुत डरावने लग रहे हैं। हमें प्रोफेसर शास्त्री को बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओफो शालिनी, उनको पता थे तो वो हमें यहाँ आने देते क्या? इन जंगलों के नाम लेने से ही वो डर जाते हैं। लाओ वो मैप मुझे दो। हाँ, ये लो। झील का रास्ता दाई तरफ है, चलो। अजीब सी आवाजें आ रही है। नहीं नहीं, आवाज छोड़ो और रास्ता देखो, चलो। विक्रम, किसी की रोने की आवाज। जंगलों के बीचों बीच कहां से आ रही है आवाज? चलो छोड़ो, चलो। विक्रम, उन झाड़ियों के पीछे चलो जल्दी से। अरे शालिनी रुको तो। विक्रम! शालिनी, 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 शालिनी! नहीं बात किया कर राका साहब को उनकी जगह दिखा। सर किसकी हो सकती है? मेरी गर्लफ्रेंड की। खोल कर देखिए ना, बेहतर होगा। आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो बेहतर हो। खोलो इसे। सो, इसमें से तो टिक टिक की आवाज आ रही है, कहीं कोई बॉम्ब तो नहीं है? इससे बेहतर क्या हो सकता है, कम से कम तुमसे तो छुटकारा मिलेगा मुझे। खोलो इसे। शादी के लिए तुमने किसी का हाथ तो नहीं मांगा था? सर, साथ में नोट भी दिया है। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा विकराल, गबरू भूत। गॉड, दैट सिली गबरू भूत। एक तो यहाँ से भाग गया, ऊपर से ऐसे बेहुदा गिफ्ट देकर हमें डराता रहता है। 50 बारी यहाँ से भागा है और 50 बारी मैं उसे पकड़ के यहाँ लाया, कहीं नहीं जाएगा। So, be careful, कहीं इस चिट्ठी में भी कोई हाथ ना निकले। जब अक्कल बंट रही थी तो कहां थी तुम? ये तो रत्नागिरी की मिट्टी की खुशबू है, वहां के आम की खुशबू, वहीं से आया होगा। सर किसकी चिट्ठी है? रत्नागिरी के विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर कृष्णकांत की, मेरे पिता के बहुत पुराने दोस्त और मेरे स्कूल के दिनों के टीचर।
लगता है कोई टेंशन है, मुझे फौरन बुलाया। विकराल बेटे, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सर जो आप चाहें। हालांकि ये काम मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। सर ऐसा कौन सा काम है, किसी भूत को पकड़ना है या किसी खजाने की तलाश? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉटल पानी लाना है। पानी? हाँ, तुम्हें शिमोगा के जंगलों में जाना पड़ेगा और वहां से अमृत झील से पानी लाना पड़ेगा। अमृत झील? वही झील जिसका पानी पीने से इंसान का कोई भी रोग दूर हो जाता है? हाँ, जिसका पानी पानी नहीं अमृत है, जो हर बीमारी का इलाज कर दे, जीवन दान दे दे। माफ कीजिए सर, ये कहानी तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, अच्छी दादा दादी की कहानी है। ये अमृत झील कहानी नहीं है, एक हकीकत है। हाँ। हकीकत ये देखो बेटे, ये देखो, मैंने सालों साल इस झील पर अपनी हिस्ट्री स्टडी में रिसर्च की है बेटा, देखो, और इसका पता भी पा लिया है। ये शिमागो के जंगलों में नैनीताल से 200 कोस दूर, ये कोरा की पहाड़ियों के पीछे ये झील, ये और ये तुम्हें देखो, ये यहाँ मिलेगी झील, इस जगह। लेकिन आपको ये झील से क्या चाहिए, आपको क्या रोग है? मुझे कोई रोग नहीं है, कोई रोग नहीं मुझे। मेरा अनुभव तो कहता है कि ऐसी जादुई चीजें ना छेड़े तो बेहतर है। आओ मेरे साथ। देखो ये मेरा पोता है मानव, ब्रेन ट्यूमर की वजह से ये बहुत कंसर्न कर रहा है। झील का पानी लाकर इसे बचा लो, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। ये आप क्या कर रहे हैं आप सर, क्या कर रहे हैं आप सर? आज मैं जो कुछ भी हूं सर, आपकी शिक्षा की वजह से हूं। ये काम मैं आपका जरूर करूंगा। उस झील तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। अमृत झील का इलाका शैतानी इलाका है, वहां भूत और प्रीत के अलावा चौड़ा का भी साया है, मच्छर और छलावा है। जो भी वहां एक बार गया है जिंदा लौट कर नहीं आया। पिछले साल मेरे मना करने के बावजूद मेरे दोनों स्टूडेंट वहां गए, लेकिन जब उनके मुर्दा जिस्म वापस लाए गए तो उन दोनों के सर उल्टे घूमे हुए थे। कृष्णकांत सर, भूतों और मेरा चोली दामन का साथ है, मैं भूतों से नहीं डरता। ये लो। उस इलाके के जितने भी जरूरी जानकारियां हैं मैंने इस किताब में लिख दी, आपत्ति पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। और कुछ? 3 बातों का ख्याल रखना जो बहुत जरूरी है। 1, उस इलाके के किसी भी डाल से फूल मत तोड़ना। 2, अगर कोई पीछे से तुम्हें आवाज दे तो हर किस पीछे मुड़कर मत देखना। 3, झील के किनारे खड़े होकर हंसना मत, हंसी बिल्कुल मत निकलने देना। डॉक्टर ने मेरे पोते को सिर्फ 12 घंटे दिए, उसके बाद वो मर जाएगा। सर, पहले तो आपने कहा था कि मैं आपके साथ रत्नागिरी भी नहीं चल सकती। पर ले आया ना। तो सर, फिर मैं आपके साथ अमृत झील क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि वहां पर बहुत खतरा है, लिली बहुत सारे भूत प्रेत होंगे, तो तुम ना आओ तो बेहतर है ना? मेरी बिल्ली मेरे से म्याओ म्याओ। हां सर, प्लीज सर, मुझे अपने साथ ले चलिए ना, शायद मैं आपके किसी काम आ जाऊं। काम आती नहीं हो,
काम बढ़ाती हो। सुगा हो सर, याद है पिछली बार छाकल की हवेली में मैंने आपको बचाया था? ठीक है चलो। थैंक यू सर। विकराल के बच्चे, मैंने तेरे पास सोने के 100 सिक्के रखवाए थे, लेकिन ये सिर्फ 93 ही हैं। मेरे सोने के 7 सिक्के कहाँ गए? जब तक मेरे सोने के 7 सिक्के नहीं मिल जाते, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन सी चिड़िया की आवाज है? आपको नहीं लगता कि ये जगह बहुत ही अजीब सी है? शराब नहीं। ठंड है लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? सर मैं कहाँ रो रही हूँ? आवाज वहां से आ रही है। कौन हो तुम? मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। गांव के वैद्य ने कहा है उनको बचाने के लिए जंगल जाके जड़ी बूटी लानी पड़ेगी। आपको वो जड़ी बूटी मिली? हाँ, वो उस पेड़ पर। सर, आई थिंक वी मस्ट हेल्प हर। आप इनके लिए वो जड़ी बूटी क्यों नहीं ले आते? वो बाबूजी उस डाल पे। वो फूल हम दोनों तोड़ देते ना तो ये औरत चुड़ैल बनकर हम दोनों को मार देती। शायद इसीलिए प्रोफेसर साहब ने कहा था कि अमृत झील के रास्ते में कोई फूल मत तोड़ना। पर सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। मैंने आज तक ऐसा फूल कहीं नहीं देखा है।
सो प्लीज मेरे लिए तोड़ दीजिए ना वो फूल। फूल पागल मत बनो, उसे तोड़कर वो चुड़ैल जिंदा होगी ना तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर उसे अपना सेक्रेटरी बना लूंगा। चलो तू करे छे स्टुपिड छे, बस इनको तो ये लगता है कि मैं तो सबसे डम लड़की हूँ। उफ, कभी फूल तो कभी इडियट तो कभी सिली लिली, पता नहीं क्या क्या। गधा विकराल, लिली का प्यार पाना तेरे वश का नहीं विकराल। फिकर मत करो लिली, वो फूल मैं तुम्हारे लिए तोड़ के लाऊंगा। मैं लाऊंगा लिली, मैं लाऊंगा लिली। आई लव यू लिली, हूँ तुम्हारे माते फूल तोड़े छू लिली। आई लव यू लिली। लिली माटे हूँ फूल तोड़े छू। आई लव यू लिली। इसी फूल के द्वारा लिली मैं तुझ तक पहुंच जाऊंगा। लिली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लिली बचाओ लिली, लिली ये क्या हो रहा है? लिली मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लिली मरना नहीं चाहता, बचाओ। ये कौन चला रहा है? रहने दो, एक और चिल्लावा होगा। नहीं सर, ध्यान से सुनिए, ये आवाज जानी पहचानी सी है। तुम्हारे लिए फूल तोड़ कर लाया हूँ। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे पीछे पीछे, तुमने मेरे सोने के 7 सिक्के हड़प लिए। सोने के सिक्के? भूल गए, जब तुमने मुझे पकड़ा था मेरे सोने के सिक्के तुम्हारे पास थे, मैं तो भाग गया, लेकिन मेरे सोने के 7 सिक्के कम है। उस चक्कर में तो मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। अरे ये तो सूत का और मुनीम का भी बाप निकला। अबे तेरे सिक्कों का मुझे कुछ नहीं मालूम, गिर गिर गए होंगे। इस इलाके से हमें बड़ी ही सावधानी से गुजरना है। 100 गज के फासले में हमें कुछ जलती हुई चिताएं दिखी। जैसे हम उन चिताओं के पास से गुजरेंगे, उन पर जलते हुए मुर्दे उठकर हम पर हमला करेंगे। लेकिन वो मुर्दे जो भी करें, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हटेंगे तो वो सचमुच जिंदा होकर हमें मार देंगे, और नहीं तो वो बिना कुछ कहे हमारे अंदर से गुजर जाएंगे। सर, मैं कुछ समझी नहीं। जो मैं करता हूं वैसा ही करो, बस दामन। यस सर। लीली तुम काहे को डरती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आओ कम ऑन। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।